वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट कॉम। आज हम लोग स्टॉक मार्केट में सारा स्टेटिस्टिक्स मतलब बाजार को हर तरीके से क्या क्या आंकड़े हैं वो देखते चले जाएंगे। तो moneycontrol.com पे आप मार्केट्स क्लिक करें, मार्केट्स में ऑल स्टेट्स, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ से बाजार को आप काफ़ी कुछ देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं टुडेज स्टॉक मार्केट एक्शन टॉप गेनर्स, आज के टॉप गेनर्स कौन से हैं, मोर करें तो ये लिस्ट लंबी हो जाएगी। टॉप लूजर्स कौन से हैं क्लिक करेंगे यहाँ से पता लग जाएगा। इसको देख के इंट्राडे बाय सेल के डिसीजन आप ले सकते हैं सुबह 9:15 और शाम को 1:54 के बाइंग सेलिंग डिसीजन के लिए। ओनली बायर्स मीन्स BSE या NSE में कौन कौन से स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा है ओनली बायर्स, लोअर सर्किट लगा है ओनली सेलर्स। मोस्ट एक्टिव स्टॉक किस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है, सबसे ज़्यादा खरीदी बिक्री हो रही है, वो BSE और NSE में यहाँ पता लग रहा है। मोर करेंगे वो लंबा लिस्ट पूरा आ जाएगा। फिर इंट्राडे लार्ज डील्स कहाँ पे हुई है, यहाँ दिख रहा है आपको रे एग्रो, विशेष इन्फोटेक, NTPC, इनमें कोई बड़ी डील हुई है, क्लिक करके इसकी डिटेल आप जान सकते हैं और मोर करके इसकी पूरी लंबी लिस्ट आपको पता लग सकती है। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने मोर किया यहाँ पे एक लंबी लिस्ट आ गई है लार्ज डील्स की, किस किस में सेक्टर में किस किस स्टॉक में बड़ी बड़ी डील्स हो रही है। तो इससे मार्केट का एक आइडिया होता है आपको कि कौन से स्टॉक्स में कौन से सेक्टर में ज़्यादा खरीदी की जा रही है। फिर कौन कौन से स्टॉक 52 हफ्तों का हाई तोड़ रहे हैं, तो ये 52 हफ्तों के हाई वाली जो लिस्ट है, इस लिस्ट को देख के और इसमें से भी अगर हम लोग अच्छी म्यूचुअल फंड होल्डिंग और ए ग्रुप के स्टॉक्स को चुन लेते हैं तो आप आराम से इनको शॉर्ट टर्म के लिए उठा सकते हैं। इसमें से कोई से भी ऐसे 3 स्टॉक या 4 स्टॉक जिनका म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ रहा है और वो अपना हाई भी तोड़ रहे हैं, उनको आप खरीद के 1 महीने के लिए रखिए, आपको कम से कम 15-25% का रिटर्न तो मिलने ही वाला है और आप सेफ है पूरी तरह। फिर प्राइस शॉकर्स, वॉल्यूम शॉकर्स, कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनमें बहुत बड़ा प्राइस चेंज आया है और कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिनमें एकदम वॉल्यूम में बहुत बड़ा चेंज आया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एवरेज वॉल्यूम जीलन का बहुत कम था और एकदम बढ़ गया, नेस्ले का एवरेज वॉल्यूम कम था और एकदम बढ़ गया। तो जीलन का बता रहे हैं 6000% एवरेज वॉल्यूम बढ़ गया है। तो ऐसे में आपको देखना है क्या खबर है और वॉल्यूम के साथ अगर वो ऊपर जा रहा है तो बाइंग करेंगे, वॉल्यूम के साथ नीचे जा रहा है तो सेलिंग करेंगे। बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे बड़ा मूवमेंट मिल जाएगा। फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एक्टिविटी आप देख सकते हैं, तो प्रोविजनल फिगर्स और एक्चुअल एज पर SBI SEBI के एक्चुअल फिगर्स क्या हैं उसके हिसाब से इंस्टीट्यूशन की ट्रेडिंग कैसी चल रही है। इंस्टीट्यूशन में आपको पता लगता है कि FII की ट्रेडिंग एक्टिविटी मोर करके देख लिया आपने, FII क्या कर रहा है, चीज़ों को खरीद रहा है बेच रहा है ये मालूम पड़ रहा है, इससे आपको मार्केट का सेंटिमेंट पता लगेगा। जब भी FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विदेश के संस्थागत निवेशक खरीद रहे हैं तो बाजार को वही ऊपर ले जा रहे हैं, और अगर वो बेच रहे हैं तो बाजार को इतनी तेजी से नीचे लाएंगे कि आपको बेचने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो जैसे FII की सेलिंग शुरू हो जाए आप भी अपने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर लें। बाजार में अगर ज़्यादा सेलिंग कंटिन्यू होती है तो फिर ज़्यादा प्रॉफिट बुक कीजिए, सेल कीजिए स्टॉक्स को। अगर बाइंग उनकी फिर से शुरू हो जाती है तो आप अपनी बाइंग शुरू करना सोच सकते हैं। तो ये FII की एक्टिविटी है। FII एक बड़ा प्लेयर है लेकिन म्यूचुअल फंड भी एक प्लेयर है, तो म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी को देखना है ना। यहाँ DII की ट्रेडिंग एक्टिविटी भी, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी भी यहाँ पता लगती है, ये लोग क्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार ये प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं, FII खरीदता जा रहा है। तो FII ज़्यादा खरीद रहा है तो बाजार को बनाए रखेगा ऊपर की तरफ। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं F&O प्राइजेस, तो ये इंडेक्स के फ्यूचर या स्टॉक के फ्यूचर क्लिक करके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर F&O मार्केट का एक्शन भी यहाँ पे पूरा दे रखा है, टॉप गेनर, टॉप लूजर, मोस्ट एक्टिव शेयर, वैल्यू के हिसाब से मोस्ट एक्टिव, एक्टिव कॉल्स, एक्टिव पुट्स कौन कौन से हैं क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं। यह स्टॉक किया मैंने और यहाँ पे एक्टिव कॉल्स करके देखना चाहूँ मैं, तो स्टॉक में ये पता लग गया हमको कि सबसे ज़्यादा अशोक लेलैंड, फिर निफ्टी का ये 8800 का कॉल में मूवमेंट है, फिर अशोक लेलैंड है, फिर JP एसोसिएट के कॉल में मूवमेंट है, फिर यूनिटेक, SBIN, ऐसे
सारे कॉल पुट कौन कौन से मोस्ट एक्टिव हैं यहाँ मालूम पड़ रहा है आपको। तो ये क्लिक करके देखने से आपको वो डिटेल भी मालूम पड़ जाएगी कि कौन सा स्टॉक ऐसा है और उसका लॉट साइज वगैरह क्या है, ये सब आप यहाँ समझ सकते हैं मार्केट लॉट। और आप इसमें अगर दूसरे ऑप्शन टाइप और स्ट्राइक प्राइस लगाते हो तो वो भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इसका ध्यान रखिए, बड़ी काम की चीज़ है। एफएनडो का पूरा स्क्रीनर यहाँ पे मिल रहा है हमको, देख करके फिर से हम वहीं जा रहे हैं जहाँ से हम अंदर आए थे। एफएनडो मार्केट एक्शन, फिर ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस, कौन किन चीज़ों में हायर ओपन इंटरेस्ट है, किस में लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, किसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, किसका ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, और सेक्टर वाइज ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है। एफएनडो में रोल ओवर, रोल ओवर क्या चीज़ होती है कि अगर आपने कोई फ्यूचर खरीद रखा है और आपको उसमें लॉस है या आगे और प्रॉफिट की गुंजाइश है, तो आपने 800 रुपये में कोई फ्यूचर खरीदा, अब वो 750 चल रहा है, नुकसान हो रहा है 50 पॉइंट का, तो आपने एक्सपायरी आ गई इस मंथ का बेच के नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर खरीदते हैं, उसमें थोड़ा सा उसकी प्राइस में फ़र्क हो सकता है तो वो रोल ओवर कहलाएगा। तो कितने रोल ओवर्स हो रहे हैं एफएनडो में ये हमको पता लग रहा है। ये चीज़ें हमने ऑल मार्केट स्टैटिक्स के रूप में देखी। इस चीज़ को आपको डेली स्टडी करना है, हर तीसरे दिन तो कर ही लीजिए। देखिए आप 2 महीने के अंदर बाजार को कितना अच्छा समझने लग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे और भी लेसन आते हैं, हम लोग बात करते रहेंगे बगैर हेजिटेशन के। आप सीखने में जितना इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज़्यादा गहरा आप सीखते जाएंगे। बाय।